Hello everyone, I am back with the 8th lecture of the chapter Evens, Tries and O-Level, written by Colin Dexter from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that Evens has managed to escape the prison after taking his exam, and he escaped the prison in disguise. He wore the overcoat of Mr. McCleary and he escaped the prison in his disguise. He also injured McCleary and left him in his own cell. In his cell in which Evens was taking the exam. Stephens, the prison officer, accompanied him to the gate, but he was not able to recognize that the person he is walking with is Evens. When he wanted to reassure himself that let's check once again, is prison inside the cell or not, he went there and then he realized that it was McCleary who is lying on the chair and he is injured. Blood was spilling out of his head and it was everywhere on his clothes. Now, we will move forward in the chapter. सी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इवेंट्स इतना सब कुछ सिक्योरिटी इतने सब कुछ के बाद भी वो प्रिजन से भागने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि स्टीफेंस के साथ जो आदमी चल रहा है बाहर तक, वो कोट उसको लंबी हो रही है, उसके घुटने से नीचे तक आ रही है, और वो ऐसा लग रहा है कि इंसान को वो जो इंसान चल रहा है वो पतला हो चुका है और स्लिमर हो गया है, जबकि McCleary वैसा नहीं था. ओके, फिर हमने ये देखा कि जब स्टीफेंस चेक करने के लिए आते हैं रूम के अंदर कि कौन इंसान, एक बार फिर से चेक कर लिया जाए कि स्टीफेंस वहाँ है या नहीं, तो वो देखते हैं कि स्टीफेंस वहाँ लेटा हुआ, McCleary वहाँ पे लेटा हुआ है और वो इंजर्ड है, उसके सर से खून निकल रहा है, विच मीन्स दैट इवन हैज सक्सीडेड इन एस्केपिंग द प्रिजन, वो वहाँ से भाग चुका है. नाउ McCleary slowly raised himself, his face twice twisted tightly with pain. Do not worry about the ambulance man. I am all right. McCleary अपने आप को धीरे से उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हल्का सा कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्योंकि उसको चोट लगी है, वो पेन में है, लेकिन फिर भी उसका जो चेहरा है, उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा है, स्लाइटली ट्विस्टेड है उसका चेहरा और उसके चेहरे पे दर्द दिखाई दे रहा है, लेकिन वो फिर भी कहता है कि एम्बुलेंस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टीफेंस ने जैक्सन को आवाज़ दिया था और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बोला था, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. गेट द पुलिस, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, क्योंकि वो जो जगह है वो तो प्रिजन है ना, वहाँ पे वो जेल है, वहाँ पुलिस ऑफिसर्स नहीं रहते हैं, वहाँ पे प्रिजन ऑफिसर्स रहते हैं, वहाँ कैदियों को रखा जाता है, पुलिस स्टेशन में पुलिस रहते हैं. तो वो कह रहा है कि गेट द पुलिस, जल्दी से पुलिस को बुलाओ. आई नो वेयर, वो बोलने की कुछ कोशिश कर रहा है, मैं जानता हूँ कहाँ. ही क्लोज हिज आईज एंड अनदर ड्रिप ऑफ ब्लड स्प्लैश लाइक अ ह्यूज रेड रेन ड्रॉप ऑन द वुडन फ्लोर. वो बोलते बोलते उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है और एक बड़ा सा बूंद उसके सर से टपकता हुआ वुडन फ्लोर पे गिर जाता है, यानी कि अभी भी उसके सर से खून निकल ही रहा है. His hand felt along the table, और उसका हाथ ऐसे अधमेरे की तरह टेबल पे ऐसे गिर जाता है, जैसे होता है ना कि कोई इंसान होश में नहीं, मतलब अभी कॉन्शियस नहीं होता है, तो उसके हाथ वाथ लूज हो जाते हैं, तो ऐसे उसका हाथ टेबल पे गिर जाता है. Found the German question paper and grasped it tightly in his blood stained hand. लेकिन वो कॉन्शियस है, वो उसका हाथ जैसे ही टेबल पे पड़ता है वहाँ पे उसे नज़र आता है क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर को पकड़ने की कोशिश कर रहा है अपने हाथ से. ब्लड स्टेन्ड मतलब उसके हाथ में ब्लड के धब्बे लगे हैं, खून के धब्बे लगे हैं उसके हाथ में. स्टेन्ड का मतलब दाग, तो धब्बा, तो उसके हाथ में ब्लड स्टेन है और वो पेपर को ग्रास्प करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है क्वेश्चन पेपर को, जर्मन क्वेश्चन पेपर. गेट द गवर्नर, आई नो वेयर इवेंस. वो कहता है जल्दी से गवर्नर को बुलाओ. वो पूरी बात बोल नहीं पा रहा है, बस कितना कह रहा है, मैं जानता हूँ गवर्नर कहाँ, मैं जानता हूँ इवेंस, यानी कि मे बी इसे मालूम है कि इवेंस कहाँ गया है. तो वो गवर्नर को बुलाने की बात कर रहा है और बार बार बोलते बोलते ठहर जा रहा है.
Almost immediately, sirens were sounding. Prison officers barked orders. Puzzled prisoners pushed their way along the corridor. Doors were banged and bolted, and phones were ringing everywhere. सडनली पूरा ऐसा chaos हो जाता है, सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है. सायरन की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है. प्रिजन के जो ऑफिसर्स हैं वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. यहाँ बाग्ड का मतलब भौंकना नहीं है, यहाँ पे चीख चीख चिल्लाना है, चिल्ला चिल्ला के ऑर्डर देना वैसा है. तो वो चिल्ला रहे हैं, सारे के सारे कैदी जो है वो पजल्ड हैं कि क्या हो रहा है, अचानक से जेल में क्या हो गया है. और सबको को अपने अपने सेल में भेजा जा रहा है, क्योंकि प्रिजनर्स इधर उधर रहते हैं ना, सबको अपने अपने प्रिजन में ठेला जा रहा है कि जाओ जाओ अंदर जाओ. और सारे के सारे दरवाज़ों को बोल्ट किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है. सारे दरवाज़ों की ज़ोर ज़ोर से बंद होने की बैंग होने की आवाज़ आ रही है, टकराने की आवाज़ आ रही है. हर तरफ फ़ोन बज रहे हैं, मतलब पूरी अफरा तफरी फैल गई है. एंड विद इन अ मिनट मैक्लेरी विद जैक्सन एंड स्टीफन सपोर्टिंग हिम ऑन ईदर साइड. और एक मिनट के अंदर मैक्लेरी उठता है और एक तरफ से जैक्सन उसको पकड़े हुए, दूसरी तरफ से स्टीफन उसको सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं. हिज फेस नाउ स्ट्रीक्ड एंड केक्ड विद ड्राइंग ब्लड. उसके चेहरे पे जो ब्लड है वो उस पर धब्बे छींटे पड़े हुए हैं ब्लड के, और वो केक यानी कि जम गया है, ब्लड क्लॉट हो गया है उसके चेहरे पे. वॉज ग्रीटेड इन द प्रिजन यार्ड बाई द गवर्नर. गवर्नर वहाँ पहुँचते हैं और मैक्लेरी को ग्रीट करते हैं, विश करते हैं. परप्लेक्स्ड एंड ग्रिम. और वो जो गवर्नर हैं, ही इज़ परप्लेक्स्ड, वो कन्फ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा. वेरी कन्फ्यूजिंग, तो उसको बोलते हैं परप्लेक्स्ड. बहुत परप्लेक्स्ड हैं वो, कन्फ्यूज्ड हैं. और ग्रिम, ग्रिम का मतलब परेशान है, ठीक है. क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई इंसान जेल से भाग जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी यू कैन से बदनामी वाली बात है. ये पूरा सब कुछ गवर्नर ही देख रहे थे ना, तो गवर्नर के नाम पे बहुत बड़े धब्बे वाली बात हो गई थी. वी मस्ट गेट यू टू हॉस्पिटल इमीडिएटली. आई जस्ट डोंट. अब वो शर्मिंदा होते हुए कहते हैं कि हमें आपको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. गवर्नर कह रहे हैं मैक्लेरी को कि हमें जल्दी से आपको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. आई जस्ट डोंट, मुझे कुछ समझ, बस इतना ही बोलते हैं वो. ये हैव कॉल्ड द पुलिस. मैक्लेरी पूछता है क्या आपने पुलिस को बुला लिया है. यहाँ पे मैक्लेरी को बस इस बात की चिंता है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इवेंस को पकड़ो, मुझे पता है कि इवेंस कहाँ है. और ये लोग चिंतित हैं कि इनको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है. यस यस दे आर ऑन देयर वे. बट तो यहाँ गवर्नर कह रहे हैं हाँ 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 पुलिस को बुला दिए हैं, वो लोग रस्ते में हैं, लेकिन आपको हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा ज़रूरी है. आई एम राइट. तो कहता है मैं ठीक हूँ. लुक हियर, देखो यहाँ. Awkwardly he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. वो ऐसे करके फटाक से जल्दी जल्दी हड़बड़ी में क्वेश्चन पेपर खोलता है और ऐसे गवर्नर के चेहरे के सामने ऐसे ले करके रख, मतलब दिखाता है ले जा करके. It's there, ये यहीं पे है. Did you see what I mean? तुमने देखा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. उस जर्मन पेपर क्वेश्चन पेपर में कुछ था और वो मैक्लेरी गवर्नर को दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये वो इसी बात से परेशान है कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ, मुझे पता है कि इवेंस कहाँ गया है, और मुझे हॉस्पिटल में ठीक हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम लोग इवेंस को पकड़ो. इसका कंसर्न सबसे पहले यही है. द गवर्नर लुक डाउन एंड रियलाइज व्हाट मैक्लेरी वॉज ट्राइंग टू टेल. और गवर्नर क्वेश्चन पेपर में नीचे देखता है, मतलब वो क्वेश्चन पेपर जहाँ था वहाँ देखता है और समझ जाता है कि मैक्लेरी क्या कहने की कोशिश कर रहा है. कुछ तो था उस क्वेश्चन पेपर में. अ फोटो कॉपीड शीट हैड बीन केयरफुली एंड क्लेवरली सुपर इम्पोज ओवर द लास्ट ओरिजिनल ब्लैंक पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर. सुपर इम्पोज, चिपकाया हुआ. अब देखो वो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को दिखा रहा था ऐसे, और उसका जो आखिरी पन्ना था वहाँ पे आखिरी ब्लैंक पेज में क्या था, एक फोटोकॉपी चिपका हुआ था प्लान का. कोई प्लान था उसमें आखिरी पन्ने में फोटोकॉपी चिपका हुआ था. यानी कि जो गड़बड़ी हुई है एग्जामिनेशन बोर्ड से ही गड़बड़ी हुई है, मतलब क्वेश्चन पेपर के साथ उसके भागने का प्लान रेडी होकर आया था. सो यू कैन इमेजिन कि कितना शातिर प्लान बनाया था इन लोगों ने, ठीक है. और वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो एक फ़ोटोकॉपी है जो बहुत शातिर तरीके से, बहुत समझदारी से उसको सुपर इम्पोज किया गया है, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के एंड वाले पेज में चिपकाया हुआ है, वो सुपर इम्पोज किया हुआ है.
और कितने क्लेवरली, बुद्धिमानी लगाई गई चतुराई से। यू सी व्हाट दे हैव डन, देखे देखे इन लोगों ने क्या किया। मैक्लेरी कह रहा है, देखो समझ आ रहा है ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखा इन लोगों ने कैसे चतुराई की है, क्या चालाकी की है। गवर्नर, यू सी गवर्नर आप देख रहे हैं ना, ऐसा मैक्लेरी कह रहा है। हिज वॉइस ट्रेल्ड ऑफ अगेन, और उसकी आवाज़ जो है वो लड़खड़ाने लगती है फिर से। एज द गवर्नर ड्रेजिंग द लेयर्स ऑफ लॉन्ग नेग्लेक्टेड लर्निंग विल्ड हिमसेल्फ टू ट्रांसलेट द जर्मन टेक्स्ट बिफोर हिम। जब गवर्नर जो है वो उसकी उसका उसका ध्यान जो है वो बिल्कुल कहीं और है, वो ऐसा लग रहा है ना कि वो पजल्ड है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि वो लापरवाही हुई है उससे बड़ी, वो क्या क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। अचानक जब वो क्वेश्चन पेपर देखता है तो वो कुछ खंगालने की कोशिश कर रहा है। वो पेपर जर्मन में लिखा हुआ है और गवर्नर ने कई सालों पहले जर्मन पढ़ा था और अभी वो भूल भी गया है, यानी कि थोड़ी सी पढ़ने के टाइम पे भी उन्होंने लापरवाही की थी, अच्छे से पढ़ा नहीं था, कड़ी मेहनत नहीं की थी पढ़ने के टाइम पे, यानी कि उनको अच्छे से जर्मन पढ़ना नहीं आता है। फिर भी वो अपने आप को तसल्ली देते हुए ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और उसमें लिखा है सी सोलेंडेम्स कॉन वेरा ब्रिडेटन प्लान जिनो फुलफुलैन दर विस्टीज, जो भी लिखा हुआ है इस तरीके का जर्मन में एक सेंटेंस लिखा हुआ है काफ़ी लंबा, ठीक है। और इसका ये मतलब है कि यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, द वाइटल पॉइंट इज टाइम इन टाइम इज 3 मिनट बिफोर द एंड ऑफ समथिंग, डू नॉट हिट हिम टू हार्ड, रिमेंबर ही इज़ अ मिनिस्टर एंड डू नॉट ओवर डू द स्कॉट एक्सेंट वेन। जब ट्रांसलेट कर रहे हैं वो, तो ट्रांसलेट करते हैं उसको इंग्लिश में और कहते हैं कि लिखा है कि प्लान रेडी है, यू मस्ट फॉलो द प्लान, सॉरी यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, मतलब वहाँ पे एक वर्ड है जो नहीं, जहाँ पे वो समथिंग बोल रहे हैं वहाँ पे उनको वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कहते हैं कि उस पेपर में क्या लिखा है, एक यू कैन से कुछ डिकोड कर रहे हैं वो, उसको जो जर्मन में जो लिखा हुआ है उसको डिकोड कर रहे हैं और उसमें लिखा है कि प्लान को फॉलो करना, जैसे जैसे प्लान है उसको वैसे ही फॉलो करना और सब कुछ तुम्हें कब करना है, एग्ज़ाम ख़त्म होने से जस्ट 3 मिनट पहले करना है, ठीक 3 मिनट पहले तुम्हें एग्ज़ाम होने से पहले सब कुछ करना है। याद करो कि 11:22 में कुछ हुआ था, 11:22 में जैक्सन को कॉरिडोर पे एक ऑर्डर आया था, रिमेंबर, और उसी टाइम पे सब कुछ हुआ है, यानी कि 3 मिनट पहले ही प्लान एग्जीक्यूट होगा, जो करना है 3 मिनट पहले होगा, जैसे ही गेट खुल रहा होगा, एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा होगा उसके 3 मिनट पहले। द वाइटल पॉइंट और टाइम इज 3 मिनट बिफोर द एंड ऑफ समथिंग, यानी कि ये कुछ है जो पढ़ नहीं पा रहे, एक वर्ड, डू नॉट हिट हिम टू हार्ड, रिमेंबर उसको ज़ोर से ज़्यादा, उसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना, ठीक है, याद है ना, उसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारना है, ही इज़ अ मिनिस्टर, वो एक मिनिस्टर है, एंड डू नॉट ओवर डू द स्कॉट एक्सेंट वेन, और वो जो एक्सेंट में तुम बात करोगे, मैक्लेरी जो था वो स्कॉटिश एक्सेंट में बात कर रहा था, वो स्कॉटलैंड का था, वो स्कॉटिश एक्सेंट में बात कर रहा था, आप देख रहे होगे वो बार बार आई एम अराइट कर रहा है ना, ए राइट लिखा हुआ है वहाँ पे, अराइट, ऑल राइट नहीं बोल पा रहा है, यू को ये बोल रहा है, तो ये उसका स्कॉटिश एक्सेंट है, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग उसको समझाए हैं, जो जिसने भी ये मैसेज भेजा है वो इवेंट्स को बता रहा है कि ज़्यादा स्कॉटिश बोलने की कोशिश मत करना, ज़्यादा कॉपी करने के चक्कर में पकड़े जाओगे, इसलिए ज़्यादा मत बोलना, 3 मिनट पहले बस अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना, उसको जोर ज़्यादा ज़ोर से मारना नहीं, और जैसा है प्लान वैसे ही फॉलो करना। ये सारे मैसेजेस उसको आए हैं उस क्वेश्चन पेपर में फोटोकॉपी होकर के, ठीक है। अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वील्ड टू इट्स क्रेसेंडो एंड द डोर ग्रेट डोर्स A fast approaching siren wailed to the crescendo. The great doors of the prison yard were pushed back, and a white police car squealed to a jerky halt beside them. अब finally वो time आ गया था कि जो ऑफिसर, जो पुलिस थे जिनको पुलिस को कॉल किया गया था, वो आते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बुलाया गया है। और एक जोर सा साउंड आता है, क्रेसेंडो, क्रेसेंडो का मतलब होता है
जैसे गाड़ी अचानक से रुकती है तो एक पॉइंट पे बहुत जोर से आवाज आती है। तो क्रिसेंडो का मतलब होता है द लाउडेस्ट साउंड, पॉइंट ऑफ साउंड, उसको क्रिसेंडो बोला जाता है। तो गाड़ी आती है, एक सायरन वेल हो रहा है, जो गाड़ी का सायरन अचानक से बजने लगता है वो लाउड हो जाता है, यानी कि एक वो प्रिजन का जो गेट है वो खुलता है, वहाँ पे एक वाइट कलर का पुलिस कार जोर से ब्रेक लगाता है, जर्क जर्की हॉल्ट लेता है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर, और वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आते हैं जिनका नाम है डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर। स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर से, वो जल्दी से गेट खोल करके निकलते हैं, एकदम सिंघम स्टाइल में निकलते हैं आउट ऑफ द पैसेंजर सीट एंड सल्यूटेड द गवर्नर, और गवर्नर को सल्यूट करते हैं। व्हाट द हेल्स हैपनिंग सर, यहाँ क्या हो रहा है सर, एंड टर्निंग टू मैक्लेरी, और टर्निंग की तरफ, सॉरी मैक्लेरी की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं क्राइस्ट, भगवान ये क्या हो गया, क्या किसने मारा आपको, ऐसे किसने चोट लगाया आपको, ठीक है, इस तरीके का उसका एक्सप्रेशन है। हुज हिट हिम, किसने मारा इसको। बट मैक्लेरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन, एल्स फील्ड वे ऑफिसर, मैक्लेरी का को चोट कैसे लगी क्या लगी गवर्नर बता ही रहे होते हैं कि मैक्लेरी उनको इंटरप्ट कर देता है, बीच ही में रोक देता है और कहता है कि गवर्नर ऑफिसर एल्सवे फील्ड, कहाँ चलना है एल्सवे फील्ड, मतलब कि उनको पता है कि इवेंट्स कहाँ भागा है, तो एल्सवे फील्ड में भागा है, फिर फील्ड की तरफ भागा है मे बी। आई नो वेयर इवेंट्स, मुझे पता है कि इवेंट्स कहाँ हैं, इवेंट्स कहाँ हैं, उधर है, हाँ इधर है, एल्सवे फील्ड में है की तरफ भागा है वो। ही वॉज ब्रीदिंग हैविली, वैसे सांस लेते हुए उल्टी पुल्टी आधी आधी बातें वो बोल रहा है। एंड लीन्ड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट द कार ऑफ द साइड, और वो ऐसे कार के तरफ ऐसे झुकता है सहारा लेने के लिए, यानी कि उसमें ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, खून निकल रहा है, लेकिन उसको इवेंट्स को पकड़वाना है और बताना है कि इवेंट्स कहाँ भागा है, किधर भागा है, ठीक है। वेयर द इम्प्रिंट ऑफ हिज हैंड वॉज लेफ्ट इन टार्निश्ड क्रिम्सन, और जैसे ही वो ऐसे कार को पकड़ता है सहारे के लिए, तो वाइट कार है ना, वाइट कार में उसके हाथों का खून का निशान क्रिम्सन रेड कलर वो लग जाता है, छप जाता है, क्योंकि उसके हाथ पे तो पूरा खून लगा हुआ है ना। नाउ इन बी विल्डरमेंट कार्टर लुक टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस, व्हाट, और कार्टर जो है वो गवर्नर की तरफ देखता है, बी विल्डरमेंट का मतलब होता है कन्फ्यूजन में, कन्फ्यूज होकर के कि क्या करना है। इनको हॉस्पिटल ले जाना है पहले, या इनको डॉक्टर, सॉरी पहले इवेंट्स को पकड़ना है, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो इन बी वर्ल्डमेंट कार्टर लुक्ड टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस, व्हाट, अभी कार्टर कन्फ्यूज है कि क्या किया जाए, ये तो पीछे ही पड़े हुए हैं कि इसको इवेंट्स को ढूंढने चलो, इवेंट्स को ढूंढने चलो, मुझे पता है कहाँ इवेंट्स है, तो इनको पहले हॉस्पिटल ले जाना भी ज़रूरी है। तो कार्टर को समझ में नहीं आता है, तो गवर्नर की तरफ देखता है इस उम्मीद में कि वो उनको गाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए, इनके साथ क्या करना है, इनको कहाँ लेकर के जाना सही रहेगा, या पहले क्या किया जाए। Take him with you if you think he'll be all right. He is the only one who seems to know what's happening. तो गवर्नर ऑर्डर देते हैं कि इसको अपने साथ ले जाओ, अगर तुमको लग रहा है कि ये ठीक है और ये चोट ज़्यादा नहीं है, सुपरफिशियल है, तो मतलब तुम इनको ले जाओ अपने साथ, सब ठीक ठाक लगेगा, क्योंकि यही इकलौते इंसान हैं जो समझ रहे हैं कि क्या हुआ है यहाँ, क्योंकि अंदर वही थे, इवेंट्स के सामने वही थे, इवेंट्स ने क्या किया, क्या पढ़ा, क्या समझा, और जिस तरीके की बातें ये कर रहे हो, तो ये समझ में आना कि सिर्फ यही जानते हैं 90% इस पूरे केस को, कौन अगर अच्छे से समझ रहा है तो यही समझे, क्योंकि हम लोग तो इवेंट्स को ढूंढने में लगे, लेकिन कोई क्लू नहीं है ना कहाँ से शुरू करें, इनके पास तो समझ में आ रहा है, इनको इनके पास प्लान है मे बी, या ये समझ रहे हैं कि एल्स फील्ड जाने के लिए बोल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि इनको कहीं ना कहीं से समझ में आ रहा है कि एल्स फील्ड की तरफ गया है वो। ऑलराइट, इसीलिए गवर्नर कहते हैं कि इसको अपने साथ ले जाओ और जैसा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से देख लेना, क्योंकि इन्हीं को पूरा मैटर पता है। कार्टर ओपन द बैक ऑफ द डोर एंड हेल्प मैक्लेरी इनसाइड, एंड विद इन अ फ्यू सेकेंड द कार लीव्ड अवे इन अ स्पर्ट ऑफ ग्रेवल। कुछ सेकेंड में ही कार्टर जो है वो गेट खोलता है, पीछे का दरवाज़ा खोलता है और मैक्लेरी को हेल्प करता है पीछे वाली सीट में बैठने में।
और कुछ ही सेकंड के बाद गाड़ी जो है वो फुल स्पीड में वहाँ पे स्पर्ट इन अ स्पर्ट ऑफ ग्रेवल मतलब धूल उड़ाते हुए छोटे छोटे स्टोन्स को उड़ाते हुए जब बहुत ज़ोर से गाड़ी बढ़ती है आगे तो पीछे के पत्थर जो पत्थर होते हैं वो पीछे उड़ते हैं है ना या धूल उड़ता है तो वैसे ही वो गाड़ी स्पीड में धूल उड़ाते हुए आगे निकल जाती है। एल्स फील्ड वे मैक्लेरी हैड सेड अब गवर्नर जो है वो सोच रहे हैं कि मैक्लेरी ने बोला था एल्स फील्ड वे मतलब एल्स फील्ड का रास्ता ही एंड देयर इट वॉज स्टेयरिंग अप एट द गवर्नर फ्रॉम द लास्ट फ्यू लाइन्स ऑफ द जर्मन टेक्स्ट जर्मन वो जो उन्होंने ट्रांसलेट किया वो तीन चार लाइन और ये एल्स फील्ड ये उनके दिमाग में क्या हो रही है घूम रही है बैठ रही वो बार बार वो उसी टेक्स्ट को घूरे जा रहे हैं देख रहे हैं और सोच रहे हैं उनके दिमाग में ये पूरा जो प्लान है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉम एल्स फील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर येस ऑफ कोर्स द एग्जामिनेशन बोर्ड वॉज इन एल्स फील्ड वे तो उनके दिमाग में सडनली आता है कि एल्स फील्ड वे ड्राइव अगर वहाँ से जाया जाए हेडिंगटन वे तक तो उस रास्ते में क्या क्या पड़ता है क्या क्या पड़ता है तो अचानक याद आता है उनका अरे हाँ एग्जामिनेशन बोर्ड वहीं तो आता है यानी कि जो एग्जामिनेशन बोर्ड का ऑफिस है वो कहाँ है वो तो एल्स फील्ड वे में तो है एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द एस्केप प्लान और इनको याद इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ज़रूर ज़रूर एग्जामिनेशन बोर्ड में से कोई ना कोई तो शामिल रहा है इसे भगाने में यहाँ से ज़रूर ठीक है ये क्योंकि बीच बीच में दो तीन बार एग्जामिनेशन बोर्ड का कॉल आना ऊपर से क्वेश्चन पेपर वहाँ तक गया है और उसमें फ़ोटो कॉपी करके कुछ चिपकाया गया है इसका ये मतलब है कि एग्जामिनेशन बोर्ड से कोई इसको हेल्प कर रहा था क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी अगर क्वेश्चन पेपर के साथ कोई क्लू वहाँ तक पहुँच जा रहा है इवन तक तो ये बहुत बड़ी बात है तो इसके लिए कोई अंदर के आदमी का इन्वॉल्व होना बहुत ही ऑब्वियस है नाउ एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो बोलते हैं बिल्कुल शुरुआत से ही ज़रूर कोई इस एस्केप प्लान में शामिल था ज़रूर ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि जिस तरीके का मास्टर प्लान ये लोग एग्जीक्यूट किए हैं और इवेंट्स जिस तरीके से भागा है इससे साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई अंदर का भेदी है जो लंका ढा रहा है ना द क्वेश्चन पेपर इट सेल्फ द करेक्शन स्लिप उनके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन पेपर को ही देख लो करेक्शन स्लिप के लिए एक बार कॉल आना तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में दौड़ रही हैं सच है कि बीच में एग्ज़ाम के बीच में इतनी बड़ी गलती कि एक करेक्शन स्लिप छूट जा रहा है उसके लिए स्पेशली अलग से कॉल आ रहा है कि करेक्शन स्लिप कोई बेवकूफ़ था जिसने करेक्शन स्लिप उसमें डालना वो भूल गया एट्सेट्रा एट्सेट्रा इस तरीके की बातें बातों पे बीच बीच में एग्ज़ाम को इंटरप्ट करवाना तो ये दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ द प्लान जिसके लिए गवर्नर को कहीं ना कहीं शक हो भी रहा था रिमेंबर तो गवर्नर के पास एक इंस्टिंक्ट था उनका एक बोल सकते एक ना एक सेंसेस उनका इंद्री काम कर रहा था कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है लेकिन वो अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट नहीं किए द गवर्नर टर्न टू जैक्सन एंड स्टीफन अब गवर्नर जो है वो जैक्सन और स्टीफन की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट्स हैपेंड डू आई मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या हुआ है ना तुम तो सब जानते ही हो तुम लोग अच्छे से कि क्या बेवकूफ़ी किए हो तुम लोग हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम इन इट्स स्कैथिंग कंटेम्प्ट और वो बड़े सार्काज्म में बोल रहे हैं ये बात स्कैथिंग कंटेम्प्ट का मतलब जैसे पता ना किसी को डांट भी रहे हैं लेकिन ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर रहे हैं बस डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं स्कैथिंग कंटेम्प्ट दोनों का मतलब है कि सीवियर स्कैथिंग का मतलब बहुत ज़्यादा और कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट तो वो जब वो पूछ रहा है ऐसे करके और मुझे तुम लोग को तो बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या चल रहा है यहाँ पे क्या हुआ है क्यों ज़रूरत है बताने की क्योंकि तुम लोग की लापरवाही से हुआ है इस तरीके के टोन में वो एकदम उनको डांटने की कोशिश मतलब ऊंची आवाज़ में भी नहीं डांट रहे कुछ बोल भी नहीं रहे चिल्ला भी नहीं रहे लेकिन बड़े प्यार से जो बोलते हैं ना डिसरेस्पेक्ट करना अनादर करना बेइज्जती कर रहे हैं उन लोगों की ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उन लोगों को एंड विच वन ऑफ यू टू मोरॉन्स वॉज इट हु टुक इवेंट्स फॉर अ नाइस लिटिल वॉक टू द मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम बाय बाय
अब इवेंट्स गवर्नर पूछते हैं, और हाँ कौन था तुम दोनों में से वो बेवकूफ़ जो इवेंट्स को गेट तक बड़े प्यार से छोड़ने के लिए गया था और बाय बाय बोल करके आया था, कौन था उन दोनों में से? अब याद करो, यहाँ पे याद करने वाली बात ये है कि जैक्सन को एक कॉल आता है, इससे पहले जैक्सन स्टीफन्स को आवाज़ देता है कि स्टीफन तुमसे गवर्नर बात करना चाहते हैं। गवर्नर स्टीफन्स खुश भी हो जाता है कि उसको एक ड्यूटी दी गई है। ड्यूटी क्या थी? कि तुम खुद, जैक्सन नहीं तुम खुद, मतलब स्टीफन्स खुद जाएगा इवेंट्स को गेट तक छोड़ने के लिए, ठीक है, सॉरी मैक्लेरी को गेट तक छोड़ने के लिए कौन जाएगा? स्टीफन्स जाएगा, और वो खुद इस बात का ख्याल रखेगा, ध्यान देगा कि गेट जो है वो उसने अब इस बात को ध्यान में रखते हुए लॉक किया है कि इवेंट्स अंदर है या नहीं। तो अब सोचो कि ये काम स्टीफन्स को इसलिए दिया गया था क्योंकि स्टीफन्स थोड़ा सा मूर्ख था, जैक्सन ज़्यादा होशियार था। जैक्सन अगर जैक्सन को बोला जाता ये काम करने के लिए और उसके सामने से इवेंट्स निकल जाता वहाँ, तो शायद जैक्सन पकड़ लेता, क्योंकि जैक्सन और स्टीफन्स ये इवेंट्स की बॉन्डिंग भी अच्छी थी। भले वो लोग मतलब दुश्मन के जैसा बिहेव करते थे लेकिन बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी। दूसरी चीज़, जैक्सन ने पहले वॉर्न किया था कि इवेंट्स मैं तुम्हारे तरफ बाज की तरह नज़र रखूँगा, ठीक है, ये सब चीज़ें वो पहले ही बोल चुका था। तो जैक्सन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था कि जैक्सन, मतलब था कि जैक्सन पकड़ लेगा, अगर जैक्सन को ये काम देंगे तो पकड़ लेगा। और वह स्टीफन्स खामखा ही खुश हो रहा था कि हमको, मुझे ये काम दिया गया है, गवर्नर ने खुद मुझे ये काम दिया है, और ही वॉज़ वेरी प्राउड कि जैक्सन के बजाय पहली बार कोई मुझे काम दिया गया, कोई मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, मतलब मुझे वो ट्रस्ट करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अभी यहाँ पे वो खुद पूछ रहे हैं कि तुम दोनों में से कौन छोड़ने गया था गेट तक, तो यानी कि जो कॉल किया था वो गवर्नर नहीं था, जो कॉल आया था, जिसने कॉल किया था, जिसने ऑर्डर दिया है, दैट वॉज नॉट द गवर्नर, वो गवर्नर नहीं थे। इट वॉज मी सर, स्टैमर स्टीफन, स्टीफन हकलाते हुए कहता है, स्टैमर करते हुए, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना, वो हकलाते हुए कहता है कि मैं था सर, वो मैं था। ठीक है, हकलाना, स्टैमर करते हुए कहता है वो मैं था। जस्ट लाइक यू टोल्ड मी, जैसा कि आपने मुझे बोला था सर, आई कुड हैव स्वॉर्न, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। और इतना बोलते बोलते वो रुक जाता है। सो वी हैव कम टू अ वेरी, अगेन वी हैव कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड, नॉट द एंड ऑफ द चैप्टर बट द एंड ऑफ द लेक्चर, एंड वी विल फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द लेक्चर, एंड वी विल ऑल्सो फाइंड आउट दैट हाउ इवन मैनेज टू एस्केप द सेल एंड हाउ ही प्लान्ड ऑल दीज थिंग्स एंड हु वर इन्वॉल्व्ड इन द प्लान। थैंक यू।